हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय आजकल आईटीआई व स्कूली छात्राओं को स्किल डेवलपमेंट की शिक्षा देते नजर आ रहे हैं। राज्यपाल बिलासपुर के एक दिवसीय दौरे के दौरान राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बालिका विद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने स्किल डेवलपमेंट के साथ ही कंप्यूटर स्किल में आगे बढ़ने के लिए छात्राओं को प्रेरित भी किया। सबसे पहले राज्यपाल द्वारा स्कूल परिसर में एक पौधा लगाकर स्वच्छ पर्यावरण का संदेश दिया गया। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय आजकल आईटीआई व स्कूली छात्राओं को स्किल डेवलपमेंट की शिक्षा देते नजर आ रहे हैं। राज्यपाल महोदय बिलासपुर के एक दिवसीय दौरे के दौरान राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बालिका विद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने स्किल डेवलपमेंट के साथ ही कंप्यूटर स्किल में आगे बढ़ने के लिए छात्राओं को प्रेरित भी किया। सबसे पहले राज्यपाल द्वारा स्कूल परिसर में एक पौधा लगाकर स्वच्छ पर्यावरण का संदेश दिया गया, जिसके बाद उन्होंने स्कूली छात्राओं को शिक्षा के साथ साथ स्वच्छता और अन्य गतिविधियों में छात्राओं द्वारा भागीदारी अदा करने की अपील भी की, ताकि लड़कियां लड़कों के बराबर चल सकें। वहीं राज्यपाल द्वारा एम्स अस्पताल का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने NBCC कंपनी के इंजीनियर से निर्माण कार्य का जायजा लिया। गौरतलब है कि कोठीपुरा में 1,250 बीघा पर 1,351 करोड़ के बजट से एम्स अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है, जो कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है, तो साथ ही रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। वहीं अपने दौरे के संबंध में जानकारी देते हुए राज्यपाल ने बताया कि छात्राओं में जहां स्किल डेवलपमेंट जरूरी है, तो साथ ही अन्य गतिविधियों के साथ ही स्वच्छता के संबंध में भी जागरूक होना जरूरी है। इसके साथ ही राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय एम्स निर्माण कार्य से संतुष्ट नजर आए और उन्होंने इसे प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात भी बताई। बिलासपुर में जो बालिका उच्च स्तर माध्यमिक पाठशाला में जाकर जो है विद्यार्थियों से इंटरेक्शन प्रोग्राम लिया और वहाँ के प्रिंसिपल और सारे टीचर्स वगैरह सब लोग भी जो है वहाँ मिलना हुआ है, और मेरा विचार है कि बच्चों को व्यक्तित्व विकास करना, केवल पढ़ाई में नहीं उनके स्किल्स को डेवलप करना, और विशेष करके मैंने आईटीआई बालिका विद्यालय बालिकाओं का आईटीआई जो है वो भी सोलन में जाए उसको भी मैंने गया था। आज भी जो है बालिकाओं का जो विद्यालय में मैं आया, मुझे अच्छा लगा है। विद्यार्थियाँ पढ़ने के लिए उत्सुक है, लेकिन नए नए जो इनोवेशन टेक्निक्स, नए नए जो स्किल्स जो आ रहे हैं उसका और जनरल नॉलेज का भी जो है इसका स्तर बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए हम एक कार्यप्रणाली भी बढ़ाएंगे, जैसे कंप्यूटर के बारे में और देश के बारे में, स्वच्छ भारत के बारे में, सारे इस विषयों को बच्चों को जो है काफ़ी एजुकेशन देना, ताकि हिमाचल प्रदेश उच्च स्तर पर अभी आगे आएगा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यहाँ जो आ रहा है उसको भी जो है मैंने थोड़ा देखा हूँ, और यहाँ कंस्ट्रक्शन जो है एज पर शेड्यूल हो रही है, और मुझे खुशी है कि 2020 जुलाई को फर्स्ट बैच ऑफ स्टूडेंट्स का यहाँ जो है शुरुआत हो जाएगा, और वैसे ही जून में ओपीडी ब्लॉक भी जो है शुरू होगा। ऐसे ये सरकार में अभी जो है जो कार्यप्रणाली दिया गया है वो कार्यप्रणाली से उसके अनुरूप ही जो है कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे कोई पेंडिंग पहले जो है प्रोजेक्ट बोले तो 10 साल 20 साल होता था, ऐसा अभी नहीं है। ये कार्यक्रम को एम्स इतने बड़ी 1,500 करोड़ रुपए का बड़ा जो है ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को जो है 2021 में पूरा करने का जो है उनका प्रयास चल रहा है, और काम भी जो है अच्छे ही काम चल रहा है। और देश में ऐसे बहुत इंस्टीट्यूशंस हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा असर जो है पड़ेगा, और इससे जो है रोजगारी भी जो है प्राप्त हो जाएगा, काफ़ी लोगों को यह रोजगारी प्राप्त होगा, और इस प्रदेश का भी, बिलासपुर प्रदेश का भी काफ़ी डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी बढ़ रही है। तो इसलिए मुझे अच्छा है, खुशी लगा कि आज केवल
मैं औपचारिक रूप से ही मैं यहाँ पर आया हूँ।